टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 7 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, आर कंट्री इंडिया। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इस चैप्टर को 5 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया था और पिछले पार्ट में हमने लोकेशन तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे कि इंडिया के लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स और लोकल टाइम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल नेबर्स से और एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल नेबर्स, ऐसी 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चैप्टर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें से एक ये भी है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्रीज, और ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। इनको यहाँ हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है और ये 7 कंट्रीज अपना लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती हैं। और इन 7 कंट्रीज में से कौन कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है, ये बताइए। चलिए, कितनों को मालूम है? आंसर है 3 कंट्रीज, विच आर अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल। ये तीनों कंट्रीज लैंडलॉक्ड है। अब आप पूछोगे लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में आपको बता देते हैं कि लैंडलॉक्ड का मतलब अ कंट्री दैट डजंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू एनी सी और ओशन एंड इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। कितना सिंपल है, इसका मतलब वो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है और उसको डायरेक्टली किसी भी सी या ओशन का एक्सेस नहीं है। ऐसी किसी भी कंट्री को कहा जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री, क्योंकि वो चारों तरफ से लैंड से लॉक हो गई, कहीं से भी डायरेक्टली सी को एक्सेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये थे इंडिया के लैंड नेबर्स। इसके अलावा पानी को क्रॉस करने के बाद भी इंडिया के दूसरे नेबर्स हैं। सो अक्रॉस द सी टू द साउथ हमारे आइलैंड नेबर्स हैं श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, विच इज द पाक स्ट्रेट, PALK। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट की स्पेलिंग, हमें पहले भी किसी ने कमेंट किया था कि स्ट्रेट की स्पेलिंग, भाई स्ट्रेट की ज्योग्राफी में स्पेलिंग होती है STRAIT। जो आप दूसरा वाला स्ट्रेट होता है STRAIGHT, वो इंग्लिश में होता है। दिस स्ट्रेट, जो हम आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुके हैं कि स्ट्रेट क्या होता है, एक पतली सी वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मासेस को अलग कर रही होती है, सेपरेट कर रही होती है। सो इंडिया और श्रीलंका को जो स्ट्रेट सेपरेट करता है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉक पे, विच इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री, और इसीलिए हम इसको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करते हैं, जिससे इसको पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में ज्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सके। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं एज ऑफ दिसंबर 2020। दिल्ली जो है वो इंडिया का नेशनल कैपिटल है, और जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म किए गए हैं। तो अगर किसी रीजन का लैंग्वेज सिमिलर है तो उस पूरे को मिला के ऑलमोस्ट एक स्टेट बना दिया गया। ठीक है, अब क्योंकि हमारी आदत है आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की, कुछ अच्छा बताने की, तो टारगेट ट्रेजर के अंडर में हमने आपको सारे 28 जो अभी स्टेट्स हैं इंडिया में उनके नाम बता दिए हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गोइंग ऑल द वे अप टू वेस्ट बंगाल। और टारगेट ट्रेजर के अंडर में हम आपको ये भी बता देते हैं कि तेलंगाना जो स्टेट है दैट वॉज फॉर्म्ड ऑन June 2, 2014 फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को तोड़ के बनाया गया था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ अब बता ही रहे हैं तो पूरी बात बताते हैं। स्टेट्स के बारे में हमने बता दिया, तो नाउ वी कम टू यूनियन टेरिटरीज। जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हम उनका नाम भी आपको टारगेट ट्रेजर के अंडर में बता देते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दी NCT ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। NCT का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, फिर से कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन October 31, 2019। इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, उससे दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, एक लद्दाख दूसरी जम्मू एंड कश्मीर, और ये हुआ था October 31, 2019 को, तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली ये दो अलग यूनियन टेरिटरीज थी और इनको कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया January 26, 2020 को। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में और काफी कुछ हमने अपनी तरफ से भी बता रखा है। ये सब चीजें आपको हमारी कंट्री के बारे में मालूम होनी चाहिए, इससे आप कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स पे इम्प्रेशन मारने के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है ऐसी नॉलेज की बातें करना।
तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक पे, फिजिकल डिविजन्स। हमने पॉलिटिकल डिविजन्स की बात कर ली, अब आते हैं फिजिकल डिविजन्स पे। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, कोस्ट्स, आइलैंड्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं फिजिकल फीचर्स में, जो मैन मेड नहीं है, जो ऑलरेडी नेचर ने बना के रखी। सो दीज आर फिजिकल फीचर्स। एक एक करके इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हिमालय से। जो वर्ड हिमालय है, दिस कम्स फ्रॉम हिम प्लस आलय, जिसका मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो। हो सकता है काफी लोग को मालूम हो, हिम का मतलब होता है स्नो और आलय का मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है, जहाँ पे कोई रहता है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो हिम प्लस आलय से बन गया हिमालय, जिसका मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो या द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ स्नो। हिमालयन माउंटेन्स को तीन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया जा सकता है, द ग्रेट हिमालयाज, जिसको कहा जाता है हिमाद्री, द मिडिल हिमालयाज या हिमाचल, एंड द आउटर हिमालयाज या शिवालिक। बुक में सिर्फ शिवालिक दिया हुआ है, लेकिन इसको आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। मिडिल हिमालयाज को लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है। मतलब ऐसे हिमालयाज की जो रेंजेस हैं, इनके बहुत सारे नाम होते हैं। जो ग्रेट हिमालयाज हैं, जिनको हिमाद्री भी कहते हैं, दे आर द नॉर्दर्न मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ में वो होते हैं, और वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक्स हैं वो हिमाद्री में ही सिचुएटेड है। दे आर लोकेटेड इन दिस रेंज। तो जो ग्रेट हिमालयाज हैं, आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ये सारे हिमालयन माउंटेन्स में सबसे ज्यादा ऊंचे होते हैं, सबसे बड़े माउंटेन्स हैं। सेकंड आते हैं द मिडिल हिमालयाज या फिर द हिमाचल पे। ये जो है, ये हिमाद्री के साउथ में लोकेटेड है, मतलब अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। और काफी सारे जो पॉपुलर हिल स्टेशन हैं, जहाँ पे हम हॉलीडेज मनाने जाते हैं, वेकेशन मनाने जाते हैं, वो सब हिमाचल रेंजेस में सिचुएटेड है, मतलब मिडिल हिमालयाज में। आपको फिर से नाम से मालूम पड़ रहा है, ये ग्रेट हिमालयाज से कम हाइट के होते हैं, लेकिन शिवालिक से ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आउटर हिमालयाज पे या शिवालिक्स पे। ये सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है, हाइट में सबसे कम है, सबसे नीचे की तरफ सिचुएटेड है। इनके बाद फिर प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज द नेक्स्ट फीचर। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है, वो हिमालयाज के साउथ में सिचुएटेड है, और ये ज्यादातर एकदम लेवल और फ्लैट है। मतलब माउंटेन्स कैसे ऊंचे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं, वो मोस्टली एकदम फ्लैट है। इन प्लेन्स को किसने बनाया? इन प्लेन्स को बनाने का क्रेडिट जाता है इम्पोर्टेंट रिवर्स को। ये रिवर्स अपने साथ जो अलूवियल डिपॉजिट्स लेके आती हैं, उसकी वजह से नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बने हैं। अलूवियल डिपॉजिट्स आपको मालूम है, अब तो आप ये स्टोरी सुन सुन के बोर हो चुके हो, कि रिवर्स जो है वो इरोजन करती हैं, रॉक्स, माउंटेन्स, इन सबको इरोड करके जो मटेरियल लेके आती हैं, उसको यहाँ प्लेन्स में डिपॉजिट करती हैं, विच आर कॉल्ड अलूवियल डिपॉजिट्स। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं, कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इस पे क्रॉप्स बहुत अच्छे से उगाए जा सकते हैं। तो कौन सी रिवर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन प्लेन्स को बनाने में? थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, एंड इनकी ट्रिब्यूटरीज, उनको नहीं भूलना है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है आप जानते हो, कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसी रिवर या स्ट्रीम जो अपना पानी एक और ज्यादा बड़ी या मेन रिवर को कंट्रीब्यूट कर रही होती है, अपना सारा पानी उस मेन रिवर में जाके मिला दे रही होती है, उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इन सबके लाए हुए अलूवियल डिपॉजिट से नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बन के तैयार हुए हैं, एंड दिस लैंड इज वेरी फर्टाइल एंड परफेक्ट फॉर कल्टिवेशन। और इन सारे रीजंस की वजह से ये प्लेन्स जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, आप आसानी से क्रॉप्स उगा सकते हो, वाटर अवेलेबल है क्योंकि रिवर्स है इतनी सारी, एकदम फ्लैट लैंड है, तो रहना, ट्रांसपोर्टेशन, घर बिल्ड करना, ये सब भी आसान होता है, एंड दैट इज वाई इन सारे बेनिफिट्स की वजह से बहुत सारे लोग नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में रहते हैं। इट हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। और इसी के साथ हमने पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।